चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि एक साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ ये कौन से वाले साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल था, जो कि अनसेचुरेटेड है। ठीक है, सेचुरेटेड का एग्जाम्पल हमने देख लिया था, सिंपल था ये, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल था जो कि काफी फेमस भी है, और भी हो सकते हैं लेकिन ये फेमस। सर, ऑर्गेनिक जैसे ये कंपाउंड को, हाँ बेंजीन था तो इसमें सारे कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते और हाइड्रोजन होता ही ना, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता। तभी ऑर्गेनिक कैसे होता, ऐसा हो नहीं पाएगा ना। एक्चुअली जो तुम कह रहे हो वो पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंपाउंड बन नहीं सकता। इतना ज्यादा हिंड्रेंस आएगा, इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम और इतना ज्यादा डबल बॉन्ड, जितना डबल बॉन्ड उतना एसपी, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मतलब हिंड्रेंस आएगा। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट आता है, वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा जो आप इमेजिन करना चाह रहे हो। समझ में आया, वैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर अभी के हिसाब से जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से आप बना तो लोगे, लेकिन आगे जब आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको पता। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्या सीखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉसिबल मेथड है जिससे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। पहला क्या है, पहले को बोला जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर। दूसरा है कंप्लीट स्ट्रक्चर। और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाम कॉपी करिए तो आपको एग्जांपल हम देते हैं। तीन स्टॉप पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या, पहला है कंडेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है कंप्लीट स्ट्रक्चर और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाम कॉपी करिए इनके। हो गए हो गया गौरी बेटा। यस सर। चलो, तो हमने जो तीन नाम अभी बोला, ये कुछ इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया C2H6। आपके सामने हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जिसका फॉर्मूला है C2H6। ये C2H6, सिर्फ इतना C2H6 देख के हमको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे जो कार्बन कार्बन जुड़े हैं वो कैसे जुड़े होंगे। ये देख के पता नहीं चल रहा है जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कौन से वाले कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। समझ में आया, जनरल फॉर्मूला बता दिया कि कंपाउंड का टोटल जो फॉर्मूला है वो ये है। समझ में आया, लेकिन वो हमें स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कौन सा वाला एटम किस वाले एटम के साथ कौन सी बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से बना दें, इसका K2S6 अगर हम इस तरीके से बना दें तो अब इस चीज को हम देख के बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्यों इसको बोला हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल जा रहा है कि कार्बन दो ठो है
और कार्बन ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हाइड्रोजन 6 है और 3 पहले वाले से जुड़ा है कार्बन से, 3 दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा है और सबके सब सिंगल बॉन्ड पे है। तो ये देख के स्ट्रक्चर हमें क्या पता चल गया, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, समझ में आया। उसके बाद जो तीसरा था हमारा बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का बॉन्ड लाइन, हम सिर्फ एक लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं लाइन खींचते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है कि जितने कॉर्नर है इसके, एक कॉर्नर ये है एक कॉर्नर ये है, जितने कॉर्नर है उतने कार्बन है, इसमें कितने कॉर्नर है 2 कॉर्नर है, तो इसको हम कितने बोले, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, और जहां पे जितने कार्बन की हाइड्रोजन की जरूरत है वहां पे उतने हाइड्रोजन है। हम कभी भी हाइड्रोजन या कार्बन को लिखेंगे नहीं, जब हम लोग बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग कभी भी कार्बन या हाइड्रोजन मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइन खींच देंगे। एक सिंगल लाइन का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड है, अगर हमें यहीं डबल बॉन्ड दिखाना होता तो हम इसी को 2 लाइन खींच देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होता तो यहाँ पे तीसरा लाइन खींच देते हैं, समझ में आया। लेकिन क्योंकि कॉर्नर हमारे 2 ही है, इसका मतलब क्या है कि 2 कार्बन है और जहां पे जितना हाइड्रोजन होना चाहिए वो इमेजिन कर लेंगे कि वहां पे उतना हाइड्रोजन है। आई बात समझ में, ये एग्जांपल कॉपी करिए, तो एक और एग्जांपल लेते हैं इससे अच्छा। एग्जांपल कॉपी करिए तो दूसरा एग्जांपल है, अगर 3 कार्बनों और बॉन्ड लाइन दिखानी हो तो ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ अभी बता रहे हैं, वहीं बताएंगे। अगर हो गया है तो हो गया ना, चलो अगला बनाते हैं। मान लेते हैं कार्बन हमारे पास 4 है, चार कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। चार कार्बन वाला कौन आता है, C4H10। हमारे पास क्या है, C4H10। अब देखो C4H10 देख के तो हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर का नॉलेज हो नहीं रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर या कंडेंस फॉर्मूला। अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हमको इसका बॉन्ड लाइन बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो सीखो, जब पहला कार्बन आपको दिखाई दे तो आप ऐसे पेन रखिए, दूसरे कार्बन की ओर प्रोसीड करिए, ऐसे ऊपर ले जाइए ट्रायंगुलर, ठीक है। फिर तीसरे के लिए नीचे आइए और चौथे के लिए फिर ऊपर जाइए, अगर चेन और लंबी है तो इसको कंटिन्यू करिए। ये है पहला कॉर्नर, पहला कार्बन, दूसरा कॉर्नर, तीसरा और चौथा, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, और चारों कार्बन पे जहां पे जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उसको हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पे उतने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमको वहां पे उतने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा अगर हमारे पास कार्बन है हेलो सर, समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आओ बेंजीन वाले को फिर से बनाते हैं ना, बेंजीन वाले को फिर से बनाते हैं।
क्यों फिर से बनाते हैं, उसका भी बॉन्ड लाइन कंप्लीट और कंडेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या है बेंजीन वाले का, आपको पता ही है क्या है, C6H6। ये हो गया कंडेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या है ये ब्रैकेट, हाँ बोलो सर, ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए है या फिर सबके लिए है? ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लाइन इनका कैसे बनेगा, बॉन्ड लाइन इनका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। हर कॉर्नर का मतलब क्या है, वहां कार्बन है और जहां पे जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वो वहां पे है, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन का कंडेंस कंप्लीट एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक सर, सबके लिए होता है ना ये रिप्रेजेंटेशन? हाँ हाँ सबके लिए होता है, पूरे ऑर्गेनिक। सर आपकी ना सर साउंड क्लियर नहीं है सर, शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, नेट तो सही चल रहा है, अब सही है। हेलो, बीच बीच में रुक जाती है। अच्छा चलो रुके के तो बताना, हो सकता है नेट फ्लक्चुएट कर रहा हो, मे बी, शो तो सही कर रहा है, मे बी। चलो तो ये हमने देख लिया क्या क्या, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। किसका देखा हम लोगों ने, बेंजीन का देखा। अब जो तुम्हारा सवाल है कि सर क्या ये हर कंपाउंड के बारे में है, तो हाँ ये हर कंपाउंड के बारे में है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो। अच्छा तो अगर ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव रहेंगे तो इसमें डेरिवेटिव में हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और लगाएंगे, तभी तो डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। रूल उतना ही है जितना हमने बताया बॉन्ड लाइन के लिए, कि हर कॉर्नर का मतलब है कार्बन और जहां पे जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वहां पे उतना हाइड्रोजन है। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम आ गया, लाइक ऑक्सीजन आ गया, लाइक नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, कुछ भी और आ गया जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा है, उसको हम शो करेंगे बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर में भी, उसको हम शो करेंगे। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ तो अगर कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, उसको हम शो करेंगे, जहां पे भी वो लगा होगा उसको एज इट इज हम शो करेंगे, जरूर करेंगे। आगे बात समझ में? यस सर। चलिए सर, हाँ सर जो सल्फर का वो था चेयर और क्राउन वाला स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मतलब मतलब स्ट्रक्चर को वो उसको थोड़ी ना बोलेंगे इनमें से कुछ, कंडेंस कंप्लीट या बॉन्ड लाइन? हाँ हाँ बॉन्ड लाइन बोल सकते हैं उसको, वहां पे बॉन्ड लाइन बोल सकते हैं उसको। बेसिकली सीख हम ये ऑर्गेनिक के लिए रहे, लेकिन वो जो ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर था उसको बॉन्ड लाइन बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं क्योंकि हम वहां पे है ना सिर्फ लाइन ही खींच रहे थे, कहीं सल्फर लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए उसको बॉन्ड लाइन में आप बोल सकते हो, लेकिन बॉन्ड लाइन के एग्जांपल में उसको मत लिख देना, ठीक है। ओके सर। हाँ भैया एक सेकंड, हाँ एक मिनट, चाहिए बाबू वही वही है कूलर के पास। Yeah.
एक सेकंड होल्ड करो बेटा। बगल में है हो गया। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम बनाने जा रहे हैं C5H12 का स्ट्रक्चर। चलिए ये क्या है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। आप इसका बनाइए क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर और साथ में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए ट्राई करिए C5H12। सर जो C4H10 का था उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्लोज क्यों नहीं करा जैसे वो इसका करा है बेंजीन का? नहीं था ना वो साइक्लिक, नहीं था ना वो साइक्लिक, नहीं था तो इसलिए क्लोज नहीं किया। ये साइक्लिक था इसलिए हमने क्लोज किया। साइक्लिक होना भी तो चाहिए, हर कंपाउंड तो साइक्लिक नहीं है ना। अब लाइक जब हमने C3 वाला बनाया, फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा कि ये साइक्लिक है या नहीं है? फॉर्मूला देख के पता इस तरीके से चलेगा कि जब हमने आपको कल जनरल फॉर्मूला बताया था कंपाउंड का तो कुछ इस तरीके का लिखा था कि CnH2n+2 जैसा कुछ है तो वो क्या होगा, एल्केन होगा, बताया था। क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बैठ रहा है? अगर n yes, बराबर हम 5 रख दे तो N2n+2 क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब ये एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या रहेगा, ये स्ट्रेट चेन हो सकता है। हाँ कभी कभी ये साइक्लिक भी हो सकता है, तो जब तक वो आपको मेंशन ना किया हो कि ये कंपाउंड साइक्लिक है तब तक हम इसको साइक्लिक में नहीं लेंगे, और क्योंकि ये एल्केन वाला है तो ये साइक्लिक कभी नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये C5 इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है तो ये साइक्लिक कभी नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे प्लस टू वाला टर्म हटा दो, सिर्फ CnH2n करो, तब ये साइक्लिक होने के चांसेस हो जाएंगे, तब होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने बोला नहीं है कि आपको साइक्लिक वाला बनाना है तो आप साइक्लिक नहीं बनाएंगे, आप स्ट्रेट चेन वाला ही बनाएंगे, तो आप एल्कीन बनाएंगे। फॉर्मूला क्या था, CnH2n, ठीक, एल्काइन होता तो CnH2n-2 हो जाता, दो दो हाइड्रोजन कम होता रहता है, प्लस टू कर देते हो तो एल्केन, ये प्लस टू हटा दोगे तो एल्कीन, माइनस टू कर दोगे तो एल्काइन हो जाएगा। ये फॉर्मूला देख के पता चल गया कि ये क्या है, एल्केन है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन, अब पांचों कार्बन कैसा, तीन तीन, तीन हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन है यहाँ, दो हाइड्रोजन है यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ और तीन हाइड्रोजन यहाँ। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये हो गया कंप्लीट। अब बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन कैसे, पहले पांच कॉर्नर हैं, इसलिए 5 कार्बन, और जहां पे जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वहां पे उतने हाइड्रोजन है। आगे बात समझ में? यस सर। चलिए कॉपी करिए प्रोडक्शन। हो गया सर। अच्छा पता है कहीं कहीं कभी कभी देखोगे तो ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे ये CH3 है ना, तो इसको कंप्लीट वाले फॉर्मूले में ऐसे ऐसे H अलग अलग दिखाने के बजाय ऐसा भी दिखा देता है कि वो सीधे H3 लिख देता है। समझ में आया? ऐसा क्यों करता है, क्यों हाइड्रोजन वाले को अलग से नहीं दिखाता है? वो इसलिए क्योंकि अगर कोई कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि हम हर हाइड्रोजन को अलग अलग दिखाएं। समझ में आया?
तो हम हाइड्रोजन को कार्बन के साथ दिखा सकते हैं, CH2 या CH3 के तरीके से दिखा सकते हैं, उसको भी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ही मानेंगे। आगे बात समझ में? Yes, चलिए अब हम आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप उसका कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें बना के बताएंगे। अरे ये कैसा स्ट्रक्चर है? सर क्या ऐसा तो करना है? कभी देखा ही नहीं। अरे ऐसा कौन सा खतरनाक है, इसको हटा दे तो नहीं देखा है तुमने? इसको हटा दे अगर हाँ तो सर, देखा ही बस है ना। इसको हटा दे तो दे। हाँ तो ठीक है ना, एक और ब्रांच लगा हुआ है उसमें कौन से दिक्कत है। अगर चलो अच्छा इसको हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं, इतना हटा देते तब तो इजी हो गया, तब तो इजी हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, तब ये इथाइल ग्रुप हो गया। अब ठीक है, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इथाइल हो गया, दो कार्बन आज हाइड्रोजन, ये मिथाइल हो गया। चलो इसका बनाओ, क्लास एंड हो जाती है तो रिजाइन कर लेना फटाक से। सर C7H18। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, हेलो सर, हेलो सर, हाँ हो गया। C7H18। हाँ C7H18 हो गया। बॉन्ड लाइन बताओ कैसे बनेगा। बॉन्ड सर लाइन में बॉन्ड लाइन ये बता दीजिए, सिर्फ मेन ब्रांच बनेगी या पूरा बनेगा? पूरा बनेगा, पहले ये वाला कार्बन, फिर अगला वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से एक ब्रांच है तो तो सर इससे दो लाइन निकलेंगी शायद। एक दो तीन चार पांच बना लिया, नंबरिंग कर देते हैं। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कर दिया। अब दूसरे वाले पे एक कार्बन ब्रांच में, दूसरे पे एक कार्बन ब्रांच में एक लाइन खींच दी। चौथे वाले पे दो कार्बन ब्रांच में, चौथे पे दो कार्बन ब्रांच में है, तो दो कार्बन कैसे शो करेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, मतलब एक कॉर्नर आना चाहिए, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, चाहे इधर ड्रॉ करना चाहो इधर ड्रॉ कर दो, बस चौथे वाले से ब्रांच निकाल दो, दो कार्बन की, ये एक कार्बन है, ये कार्बन मन हो तो नीचे खींच दो, ठीक है। ओके सर, हाँ समझ में आ गया। यस सर, एक और बनाए? यस सर, चलो बनाओ फिर। सर सर बोलो। एक
सर ऐसे तो ये जो आपने पिछला स्ट्रक्चर बनाया था उसमें तो 8 कार्बन हो गए थे। अच्छा 8 हो हाँ, गए आठ थे। ही तो थे, 8 ही तो थे। ठीक है, वो CH8H H18 हाँ होगा। ठीक है चलो। हो गया सर। हो गया। क्या बना बॉन्ड कंडेंस स्ट्रक्चर इसका? C7H15। C7H15। ठीक है। फिफ्टीन या 16 हाइड्रोजन? बोलो और 16 है ना। चलो फिर बॉन्ड लाइन बन गया। बॉन्ड लाइन भी यस सर। कैसे बना बॉन्ड लाइन? कुछ इस तरीके का। पहला वाला, चार दूसरा लाइन एक ठीक हाँ सर, ऐसा ही था, है। बस मैंने उल्टी दिखाई थी। मैं ठीक है चलो। अब लास्ट लास्ट क्या कि हम तुमको देंगे बॉन्ड लाइन और तुम बनाओगे कंप्लीट। ये पहला सर सवाल। एंड होने वाली है मीटिंग। हाँ तो रिस्टार्ट करते हैं।